हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे सालू जी हैं। तो चलिए आज आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिखाते हैं। कल था मेरा एनिवर्सरी का वीडियो हम लोग नहीं अपलोड कर पाए, शॉर्ट वीडियो डाले हैं क्योंकि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है। सालू जी के फ़ोन से बनता है तो ये इनका अपना लेकर बिजी रहती हैं। तो चलिए कुछ दिखाइए। तो अभी देख तो सकते, आप लोग देखिए मेरा घर कितना रेडी हुआ। अभी तो ज़्यादा नहीं बना है लेकिन आज बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा कल काम होगा जो कि मेन काम नीचे वाला होता है, ढलैया का बीम ढलैया। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को, ठीक है। और अभी इधर सारी सरिया और हैं जो भी कट के लग रही हैं, और इधर सालू जी हैं और इधर हम हैं। तो चलिए ऊपर से दिखाते हैं। ये मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे कदमों से। आप देख सकते हैं आप सब क्या क्या आप सभी को दिखाए हम। इधर देख सकते हैं रूम है, इधर देख सकते हैं सीढ़ी का घर है, इधर वाला जो है गाड़ी पार्किंग है, और इधर एक पूजा का घर है, और उधर एक जो है सामान रखने वाला घर है, ये देखिए बरामदा है, और उधर देख सकते हैं किचन है, और उधर एक रूम है, उस कोने पे एक रूम है, ये वाला जो है क्या है वहाँ पे एक बाथरूम है, वहाँ पे दूसरा वाला है, जगह है मतलब वाशिंग मशीन उसी रखने के लिए। तो यही देखिए इस तरह से लोकेशन है घर का। और आप सभी को कैसा लगा तनिक कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अभी ईंटा वैसे ही फेंकवा दिए थे क्योंकि कल इसमें बहुत सारा काम था, और ये वाला जो है डाउन है क्योंकि इस पे गाड़ी चढ़ाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसकी वजह से डाउन करवाए हैं। तो आप सभी को शायद बहुत अच्छा लगा होगा मेरा घर कैसा है। ये अंदर का है, ठीक है। और इसमें सरिया देखिए बढ़िया से, नीचे जो है तीन सरिया, ऊपर पांच, और इसमें छह सरिया डलवाए हैं। और इसमें देखिए मोटी मोटी सरिया डलवाए हैं, बहुत मोटी मोटी। तो आज हो सकता है काम ये वाला फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कल होगा ढलैया। तो ढलैया होने के बाद फिर चलेगा जुड़ाई, तब पता चलेगा रूम। अभी तो रूम पता चल रहा है लेकिन इतना बढ़िया से नहीं, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि इधर देख सकते हैं आगे इतना ज़मीन छोड़े हैं कि कोई बर्थडे रहे मनाने के लिए दो चार दस लोग, बीस लोग, पचास लोग आ जाएं इसमें, ठीक है। तो और गाड़ी भी इसमें खड़ी हो सकती है, और भविष्य में अगर कभी सोचेंगे तो इधर से एक रूम बनवा देंगे दुकान के लिए, ठीक है। और इधर गेट उधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा, और पूरे घर में गेट ही गेट लगवाएंगे, ठीक है। और अब देखिए सोचे हैं एक अच्छा बनवाएंगे पूरा, लेकिन देखते हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मेन चीज़ जानते ही आप सब, रुपया होता है, जब तक ये नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। कौन कहाँ भाव के ली है, जो कि दो तीन लोग से कर्जा भी मांगे हैं, अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो काम बंद कर देंगे बीच में, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा। और हो जाता दोस्तों, लेकिन जो है हमारा जहाँ चैनल चलता है मतलब CMS से, वहाँ से हम पैसा लिए थे, अब की बार वहाँ मतलब पैसा हमको नहीं मिलेगा, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है। और एक दो लोग से और मांगे हैं, एक भैया हैं मतलब दुबई के हैं, वो हमेशा हम लोग का हेल्प करते रहते हैं, कभी वीडियो देखते हैं तो मतलब वैसे ही भेज देते हैं, फिर हम दे देते हैं पैसा, कभी किसी का पैसा खाया नहीं। अभी हमारे पास एक दो लोग का और पैसा बचा होगा, धीरे धीरे करके सभी का दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए सालू जी से मिलवाते हैं। अभी सिरमिट भी मंगाना है, पैसा नहीं है, आज सिरमिट आ रहा है क्रेडिट कार्ड से मेरे, वैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के लिए था, तो 40,000 लिमिट है उसमें का, तो हम कहे चलिए इससे। तो इधर आके बैठ चुकी हैं, नई नई दुल्हन देख रही हैं,
जो कि शादी, हमको भी शादी करना है अपने देवर की। कहाँ है आपके देवर? मारक देवर था कि नहीं ये ठाण है। कोई लड़की नहीं मिल रही मस्त वाली ने? अब देखिए तोरे देवर संग हम फोटो खींचे ले। हीरोइन जैसी लड़की नहीं मिल रही है ने? हाँ हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।